समझा नहीं बाबा। अब तलक कोई जग में बाबा लिखाया और क्या तेरे तकदीर में चमकता रहा सूर्य समझो कि कल तक देख रोता है अपने खुद तस्वीर में। गम में बदल जाती खुशियां सभी अर्श से फर्श पर आ गए रोते रोते राम निवास कुछ भी समझ में नहीं आता हो गया यार क्या क्या से क्या होते होते इतना जानी है मन है जा हंसत है जा खेलत है जा गावत है जा बजावत है जा एक दूसरे से सहानुभूति मिलावत है जा लेकिन कब केकरे नसीब में का हो यह कोई ना जान पाओ। भैया बाबूजी कितना सुंदर लाइन कवि जी देलन क्या बात है लाल ऐ मुसाफिरी भटकता है क्यों दर बदर दोनों आलम कर रहे वरी मदीने में लिखल गई हर लोगन के लिए लगत हो एक ही डाल में दो सुमन खिल रहे एक शिव पर चढ़ा एक शिव पर चढ़ा एक ही साथ है दोनों तरफ से एक ही साथ दोनों तरफ से एक ही साथ दोनों तरफ से एक न्यू में पढ़ा एक चौ पर चढ़ा एक ही साथ दोनों तरफ से एक ही साथ पुरस्कार लार 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 ललरिया लारे कनन नर नार 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 ललरिया नारे कहानी लिखने में कलम या सू बहाती है दुखों की बिजली या सियाना जब जलाती है ग्राम लखमीपुर जिला मेरठ की हकीकत है स्वार्थी लोगों को जो दे रही नसीहत है वहीं पर शांत स्वामी नाथ का परिवार रहा एक बेटी माया से घर लगन गुजार रहा सोरह बसंत बेटी माया पार कर गई शादी की चिंता बाबू को सवार कर गई एकलौती बेटी एजन तो दूठे बेटी रहे एगो वही में वो तीसरे नंबर पर आ गल लेकिन यहाँ एकलौती बेटी
गौर करेंगे बड़ा प्यार दुलार से पलने जेकरे पले दो चार ठे बेटी हो जानी तो लड़का खोजे लगल। दो चार ठे लड़का हो गए के बाद पूछिए उस दिन से बेटी का चाहत अंदर से जरूर हो जाई एगो बेटियों मिल जात। भैया बाबूजी एक लौती है बड़े प्यार से पाले बेटी सयान हो गई माँ बाप के लिए चिंता बन गई गईले बढ़िया घर खोजले बढ़िया बर खोजले खोज के अले अपने दुल्हन से कहत हुए दुल्हन बेटी का घर बर बढ़िया बा बड़ा कुशल रही खुशहाल रही कोने ढूक के बेटी अपने बाप का बात सुन के फूली न समाई बड़ी खुश हो रही है भैया बहुत खुश हो रही है। कार्ड छपा था कार्ड बटा था डॉक्टर साहब ठेकेदार साहब बड़ा देरी से पैसा गनत हुआ हम जानत है कि देव बदे भजौला है लोगन क्या है साथियों कार्ड छपा गयल कार्ड बटा था 10 दिन सदिया रह गई तबले खबर आई बेटा पक्ष से कि 1 लाख रुपया जल्दी भेजवा दा वरना बरात ना आई। अब आप ही समझें कि मांगे के रहे तो पहले में मांगे की चाहत रहे कुल काम भइले के बाद 1 लाख रुपया अगर मिली तो बरात जाई नहीं तो बरतिए ना जाई। दोनों प्राणी सुनने बेचैन हो गई ना पति बैठल हुए हताश समय दुल्हन रोवत है एगो बात कह के रोवत है तर्ज लगल अरे अरे सोनावा करतिन खोनावा पति और पत्नी के बीच में कितना अनमोल रिश्ता पवित्र रिश्ता। पति परदेश में है दुल्हन घर पर है ओजैन से फोन कैले हाल चाल हो थी फोनवे में कुशल मंगल हो था फोनवे में पप्पी दे दे कुशल मंगल करत करत वही में अजब चुम्मा दे देलस तो देखे पत्नी यही जन से कहते सुना आज ऐसन मत करा आज हम भूखल हैं आज हम के जूट काट मत करा ये जाई तो फरिया जाई भले आए फरियावतन रहे जसवंत सिंह का नाम रहे जय सिंह आ दुल्हन कलस की आज हमके जूट काट मत करा व्रत में है दूल्हा वही जन से समझावत हो कि जूट काट ना करत है तो के हम उपाय बताओ थी व्रतवे के उपाय बताओ थी अरे अरे सोनावा उठावत बढ़िया फल बताओ थे कच्चा भी उबाल के भी पारण कर लिया और तुमके झूठ काठम ना करत है दोनों समझदार रहे जमीनी फल है। हाँ अब वही सही है जनला है तो बतौला है पहले बताओ चाहते हैं क्या बात है कि कहली गुजारिया परिसन जरिया स्वामी अगर बरात ना आई तो जेके जेके कड़वा दिया आयल है दरवाजे पर आई का गुजरी हो कौन जवाब देहल जाई कैसे कैसे जवाब देबा आय है दुल्हन रोती है ये बात कह रही है देखे नौजवान करता क्या है
अपने इलाका में बढ़िया बढ़िया पैसा वाले लोगों के ढूंढे लगल है जेकरी यहाँ जाए भैया हो हमार मदद कह के हमारा आबरू बचाला। परम मादरी माने आप श्रीमान हाय। लेकिन लोग बतावला कि जेकरे पॉकेट में पैसा ना ओके जेरमियो करा वाला ना। अब पॉकेट में अगर पैसा है तो चार जानी चाहो पिया वाला भेटी है। कहीं गया पैसा के लिए पैसा नहीं पाया हुआ क्या घर लौटत रहलन सजनवान हो तबले फेरी लेहल बिधना नयनवान हो कि धक्का मरलस गड़िया गिरे वही घड़िया छोटिया लगल बड़ी यार सजनाई जतिया बचाला। पैसा नहीं मिला वापस आ रहे हैं आया है डीसीएम वाला धक्का मार के फरार हो गए। लोग उठा के दरवाजे पे लिए ले स्वामीनाथ के सुता देले कबहू कबहू अखिया खुले कबहू कबहू बंद हो जाए। गांव पुर के लोग जुट गए पत्नी एक तरफ पकड़ के रो रही है बेटी पांव की तरफ बैठ करके रो रही है लेकिन पत्नी अपने बेटी की तरफ ताक करके अपने पति के सामने एक बात कहती है। कहती क्या है परिस नया नवा सपनवा टूटल चाहे अरे कहे शांति अखिया की खोला हो सजना। ऐसा न करें स्वामी ऐसा न करें। अरे बेटी का शादी अधजल में है स्वामी बेटी का शादी अधजल में हो स्वामीनाथ समझावे प्यारी धीर धरा मनवा विधना के हाथे होला जीवन या मरना। आँख खुलल तो हथवा पकड़ ले लें अपने दुल्हन का हाथ पकड़ कहले शांति जीवन और मरण तो किसी और के हाथ में है लेकिन एक बात बताऊं मुझे भी एहसास हो रहा है मुझे भी एहसास हो रहा है घरवा तू आर बेची हा अंगूठी हा मार बेची हा दे दी हा गरीबिया में जीवन बा मांगना तोहसे हम भीख मांगत है शांति अब हम बचब ना लेकिन हमरे मर गए के बाद हमार अंगूठी हो घर में का ठान जेवर जेवरात हो दो चार बिस्सा जगह जमीन हो एक ही बेच दिया मगर बरात हमरे दरवाजे पर आवे की चाहिए हमरे बेटी के विदाई होके की चाहिए। एतने कहत सांस टूट गई आखिरकार मर ही गए स्वामीनाथ कफन दफन भयल खबर गईल बेटा हा के हा लोग आए बहाना तो कुछ और था मौका कुछ और मिल गया बहाना तो पैसे का था लेकिन मौका मिल गया लड़की है कुलच्छन है हेतना जानी हम नहीं जा समाज के लोग हर जात बिरादरी के लोग हैं शादी विवाह के बीच में किसी प्रकार की अप्रिय घटना घट जाती है तो हम ही लोग बेटा बन करके बिटिया की तरफ अंगुली उठाते हैं कुल दोस्त यही कहो नहीं मेरे दोस्त ऐसा होना नहीं चाहिए। बेटा पक्ष के लोग नकर गईले कल की शादी ना होई शादी तो टूट गई एक और शादी टूटल एक और पति के से नाता टूटल आए हाय स्वामीनाथ का दुल्हन देखे बिचारी परेशान है बीमारी पोजीशन में हो गई अब समझ में ना आवत था कि हम जाई तो जाई कहां यहां वहां दवा करा रही है आवा भैया कुल देते हुआ छुट्टा ये मन से कुछ देबा कि कुल लेके जाइबे करबा ओहरिया खाली है देखा ओहरिया लेला विभीषण के खानदान कहूंगा देखा का केहू मना करी कि नहीं है बेटा
पान गुटका मत खाई है, चपले हमारे मुंह से आवाज निकलती ना। अब वो कुछ दिन के बाद जब इनके चापल लगी तब एकदम खत्म, तब इनसे खनवे न घोटाई। तो माई बाबू परेशान हुए कि हमारे लड़कवा के मुहवा बंद हो था, कच कैसन सिकुड़ल जाता, बड़ा खतरनाक चीज है जवनु चपले हुए, बहुत खतरनाक चीज है। ए भैया आखिरकार बिटिया परेशान है, माँ बीमार है, छोटे मोटे डॉक्टरों के पास जाती है, लेकिन रोती है कहती है फिल्म पाकीजा से गीत लगे। हार रही हो ओ पाके यार हो, रोवे बेटी करे जवा के फार, हित मीत नाच सारे लोग संग छोड़ दे। बेटी परेशान होकर के प्राइवेट दवा कराती कराती तंग हो गई, हॉस्पिटल में अपने माँ को लेके जाती है। आज जब हॉस्पिटल में चेकअप हुआ तो डॉक्टर सलाह दिए कि बेटी 5,000 रुपया तत्काल में चाहिए, बाद में फिर देखा जाएगा। जेकरे पल्ले 5 रुपया का व्यवस्था ना, 5,000 तो बहुत बड़ी चीज हो गई। अपने माँ को लेकर के घर पर आई, घर पर आ करके सोच में पड़ गई है बेटी माया, का करी कैसे माई का दवाई कराएं। अपने बाप के पग चिन्ह पर बेटी भी चल दी, अपने बाप के नक्शे कदम पर बेटी चल दी और गई एक आदमी के पास जो धनार्द आदमी है, पैसे वाला आदमी है। जाती है सामने हाथ जोड़ करके तरतर तरतर आंख से आंसू चल रहे हैं और रोकर एक बात कहती है, कहती क्या है, बड़ी बड़ी गीत अली गईली पुरान होत गईली छूटत गईली लेकिन बाह रे तर्ज। अरे सनना रतिया कर डोले ला पवानवा, कही दा भौजी भैया सी मुर यही देते गवानवा। डॉक्टर साहब बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ के प्रेम से ये सबके सुने लग चीज है और विचार करी है। बैठ बिरहा गौले का मतलब मौज मस्ती ही ना, बिरहा के भावार्थ में बिरहा के तह में जाने के बाद पता चलता है कि सच्चाई क्या है। ओह के बाद बड़ा अध्ययन कई के तब आपके बीच में परोसल जाला। रो रही है बेटी, अरे गोड़ तोहर लागी हमके, गोड़ तोहर लागी हमके देही दे बार रुपया, गोड़ तोहर लागी हमके देही दे बार रुपया। आज यही टुवारी
सबके ऊख में पतई सबके पास बहन बेटी रो रही है तरतर तरतर आंखों से आंसू चल रहे हैं और हाथ जोड़ी है बाबूजी हमके 5,000 रुपया दे के हमारे माई का जान बचाला बाबू सूद मोर सब चुकता कह दे मौका थोड़ा सा चाहिए बाबूजी मौका थोड़ा सा चाहिए रो रही है बेटी है आंखों से आंसू चल रहे हैं और जिसके सामने रो रही है वो इसके तरफ देखे भाव नजरों से देख रहा है देखते देखते बर्दाश्त नहीं कर पाया एक बात कह दिया भेड़िया भूखा लख निर्खल जवानिया दे दे रुपया हमारे मानी जा बचनिया माया बाबूजी कही है लेकिन कहा माया तू रो क्यों रही है पैसा चाहिए 5,000 चाहिए अरे मैं 10,000 दूंगा और चाहिए और दूंगा लेकिन पहले अपनी आस बंद कर अपनी आस रोक ले जानती है इसके बदले तुम्हें कुछ करना पड़ेगा करना क्या पड़ेगा एक रात मेरे साथ हम बिस्तर होना बाहरे जमाना बाहरे समाज बेटी है बाबूजी कह रही है आंखों से आंसू चल रहे हैं हाथ जोड़ी है और वो भावुक होकर के ताक रहा है और कह रहा है एक रात हम बिस्तर हो जा जितना पैसा चाहिए दे दूंगा पड़ गई द्वंद में वह बाला पड़ गई द्वंद में वह बाला यदि अपना हुस्न बचाऊंगी माँ तड़प तड़प मर जाएगी ना दवा कराने पाऊंगी देखें अपने ही से सवाल अपने ही से जवाब क्या बेचू अपनी अस्मत को जीवन मरण है खेल यहाँ क्यों बेचू अपनी अस्मत को कल होना मुझे अकेले यहाँ अपन ही सवाल कर रही है अपन ही जवाब दे रही है फिर माता की ममता तड़प उठी माता की ममता तड़प उठी क्यों याद बनाती दूरी है अरे पहले दवा कर माता की रे बेटी चाहे जितनी मजबूरी टूट गई मेरे बाबू टूट गई अपने ही सवाल का जवाब देते देते आखिरकार बिटिया टूट गई सवाल का जवाब यही न दी कि बाबू मरी गई ले माइयो मर जाई हमहू के मर जाए के हाँ। लेकिन अंतिम में जब ये सवाल आया कि माता की ममता तड़प उठी क्यों याद बनाती दूरी है पहले दबा कर माता की बेटी चाहे जितनी मजबूरी है कैलस का बेचली जाती आप ठेकेदार के चिरैया अरे लेके रुपया आवत रहली लेके रुपया आवत रहली ए हर मरल बानी मैया बाहर समय आबरू भी गवा दी पैसा लेकर की चल देती है घर से कुछ ही दूर है देखती है दरवाजे पर लोगों की भीड़ जुटी है एक आदमी निकल करके करीब में जाते हैं बोले बेटी बेटी विलंब कर दी बेटी विलंब कर दी अरे तोर माई तोर नाम लेके अंतिम सांस तोड़लस रे बेटा गईल रुपयवा माई के लसिया पर फेंक देलस जमाना देखा था मर्द मेहरारू बूढ़ जवान सब लोग हुए आलसिया पर फेंक के एक बात देखें उलाहना देती है किसको उलाहना देती है अरे फुटा हकर मावा के करिया लीलार हो हमनी के लोगवा कहे लपनिहार हो कमन चूक भैली हमसे विद
धन तोहारी हो तावर सुख भई तोहार हो कवन चुक भैली हमसे। उलाना देती है प्रभु, ये धरती पर सबसे बड़ अपराधी कलंकिन हमई है। आय हाय, एक दिन बीता, दो दिन बीता, माई के कफन दफन कैले के बाद दूध काम न बाबुए के भयल न माइये। तीसरे दिन दरवाजे पर बैठ करके बेटी कभी रो रही है, कभी शांत हो जा रही है, आ तब तक अचानक देखें बिरहा में मोड़ लग जाते। अचानक एक अजनबी आया और बगल में बैठा, गमछा से अपनी आंस पोछा, पहले फूट फूट के रो रहा है, अपनी आंस पोछा, फिर बेटी की आंस पोछा, और आंस पोछा, एक और आंस पोंछ रहा है, एक और रो रहा है, एक और एक बात कहा। कहा क्या? अरे वाह, बहुत पहले सिमरत उस्ताद हमारे बगल में लाइन के गाँव है कि मोरी सारी पिहारी सारी री के तने की सारी। हो लेकिन देखे वो अजनबी आस पूछते हुए एक बात कहा। घरवा बरेना बरेना, हाँ हाँ देखा था, देखा था। अरे पहलवान ना हो तेकर मतलब सबसे हमार हाल चाल खत्म हो गई। ये 200 रुपए का पुरस्कार परिंदा की माटी से, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं आप सारे लोगों को, प्रणाम करते हैं। लेकिन बात वही कहे, कहा क्या? कैसे तोहक के धीरा जवाब, कैसे तोहक के धीरा जवाब, भाई हे बेटी तोहक के बोलावल बड़ की माई। हम तो दो तीन बरिस पर घरे आईली है बेटा, दो तीन बरिस पर घरे आईली है, परदेश में रहली है, आईली है तो सुनली है कि पूछली कि फलाने कैसे हुए, ढेकाने कैसे हुए, तो परिवार में पता चलल कि फलाना हूं ना हूं फलानियो ना है, जानत हूं हम के है। अरे बाबू का तुहरे हम बाटी यार हो, भैया हमार हूं बड़का तहसीलदार, भैया हमार दुनिया के जाए केहू रह नया भैया। और उते ऐसा करेजा का मर्द रहे कि केहू के भी फेंक दें, जितना दिन बंगाल के धरती पर रहें और नंदलाल के पाले में, नंदलाल के गवावे में जितना बड़ा योगदान कैले हो, खरभान पहलवान लक्ष्मीराम और देवरिया के विश्वनाथ खलीफा, अब एक कई आदमी उभर रह गए भैया। आना है जाना है, जब ले जे के रह के हा तब ले रही, अजहिया जाए के जेकर वही नाम लेत रही है,
हरभान पहलवान के छोटे भैया आप हमारे प्रधान भैया, ये 22 रुपए का पुरस्कार नमन करते हैं उस आत्मा को कोट सर, आप सारे लोगों को सादर सम्मान करते हैं। हाँ भाई कया कहिए है, जबले जियबा तबले वो चीज भूले ही ना, अकेले ठेकेदार साहब कांकी नारा में दंगल रहे जवाहिर यादव बनारस आ इंदिरा जी मरल है वही बीच में हमार उनकर दंगल रहे 84 में, अकेले ठेरी पर एक हाथ में करताल एक हाथ में झांझ, आ जब घर जाए तो जवाहिर कहे कि नंदलाल मान गईली मन्ना भैया के सम्मानत रहल है, आज मन्ना भैया मान गए कि नंदलाल में खरभान पहलवान कोई ऐसा व्यक्ति है कि दो टेरियन का तीन टेरियन का जरूरत ना अकेला काफी रहे। रामबली यादव हारमोनिया मास्टर रहे और लक्ष्मीराम ढोलक वादक रहे और अकेले टेरिया देखवैया पहले जब बैठी मंच पर तो कहे कि समाज से हल्लू खवन नंदलाल, समाज से जब बोला लगा तो लोगों के पता चला कि बा भाई बा ये प्राकृतिक देहल शक्ति रहे, रोज गाल थे जा कहीं ना कहीं आप लोगों का आशीर्वाद है भैया हो ते ये चीज के दफन कर देव के हा और ये दुनिया का माया हा, ये जिन देखा ही है तो गावत है ये बतावो जाते ही, वही आदमी कहा कि तुम्हारे बाप का हम पक्का मित्र ही बेटा, हम लगोटिया यार ही बेटा, और जब ले हम के वो ना देखत ला उनके हम ना देखत लिए तब ले चैन ना, लेकिन एक बात जब ही हम रोवे लगली तो हमार बड़की माई कलस किए बेटा जाओ बिटिया के लेके आवा, हमार बड़का बाबू का लड़का तहसीलदार हुए, बड़की माई कलस के हम तहसीलदार से कह के कोनो जगह दिया दे दूठे रोटी का जगह बन जाई, हे बेटा ओकर हाथ पकड़े वाला हजार जनी तैयार हो जाए, चला बेटा चला, हाय 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 मेरे बाबूजी बेटी रानी क्या समझती है, आगे आगे अजनबी पीछे से वो बेटी चल देती है, लेकिन लेके गया गया कहां पर, अरे कोठवा पर बेच दे हल पपिया मुदैया दल दल में फंस के ढकत बाची रैया, लेके रुपया गया है पर, लेके रुपया गया है पर, राई है बेटी तो के बोला बोला पर की माई, यह तो जमाना है बड़की माई से मिलावे बदे कोठा पर ले गयल, बगल में बुढ़िया के देखौला यह हमार बड़की माई है, बड़की माई यह बेटी है, बैठ गई कुछ पैसा लिया देरी तक बैठा है, बैठने के बाद बोला बिटिया 5 बजे के बाद तहसीलदार साहब आई हैं, तनी हम घूम लें, बड़की माई की बैठा बैठल है 5 से 6 बज गल 6 से बेसी होखे लगल, घबराहट जरूर होखे लगल, मुंह से निकल गल माई न तहसीलदार साहब अले न चचा अले, वो हंसे लगल अरे बेटी, लेकिन वोहू के मुंह से झटका से निकल गल बेटी, अरे बेटी तहसीलदार जैन आवे न जालना रोज का काम है, और तोर चचा उतर रोजे आवे न जाला, ई कोठा हो बेटी कोठा हो देख जितना है कैमरा है ना जितना क्वार्टर है झांप लगल है, एक से एक सुंदरियां है रे बिटिया, अब तय दूसरे जगह है छोड़ देते हैं चचा कर तहसीलदार का ख्याल, लिपट के भोकर भोकर रोवे लगल माई, जवन हमार बचल है तवन बचा ले माई तवन बचा ले, एक बार पत्थर में भी पसीना आ गया, पत्थर पर भी पसीना आ गल, अवाक हो गई बुढ़िया, कलस की तमाम लड़कियां आईली लेकिन तोरी मती नारे बेटी, तय हम के माई कह देली हम तो के बेटी कह देली, एक बात सुन तोर जीवन बचल है तवन तो बचा ले बे, लेकिन बड़ा पैसा खर्च कर देले ही पैसा कैसे निकली, तो के एक काम करे के पड़ी नाचे के पड़ी, हरता क्या नहीं करता, आखिरकार घुघरू बन गयल, अजय बन गल तब बिरहा में कभी जी भाव देलन,
अरे माया कैसे मैं खाना बन गई, माया कैसे मैं खाना बन गई, कविता काप गई धूमिल हो गए पैमाना। जब नाचे लगल तो हरता क्या नहीं करता, इतना बढ़िया नाचे लगल हो भैया, संकेत लगल तर्ज कह क्या बात है। ये गोटेदार लहंगा, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब तार, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब तार, ये गोटेदार लहंगा, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब तार के, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब तार के, छुरिया चल जाए हाय, छुरिया चल जाए तेरी मतवाली चाल, कोठे पर घुघरू बाजे, कोठे पर घुघरू बाजे हल्ला बाजार, कोठे पर घुघरू बाजे हल्ला बाजार, कोठे पर घुघरू बाजे हल्ला बाजार, कोठे पर घुघरू बाजे हल्ला बाजार में, कोठे पर घुघरू बाजे हल्ला बाजार में, होली पर गोली चले, होली पर गोली चले गोली थानेदार, से अच्छे लोग जाए लगले, खराब से खराब लोग जाए लगले, आशिक मिजाज जे हो खे उजाए, नाच देखे मुजरा देखे और अपन जोन समझदारी हो खे जहां जब जाए बने जाए, लेकिन इजन बिरहा में फिर मोड़ लग जाते। आई परात लक्ष्मीपुर से रानीपुर गांव में, सट्टा हुआ था माया का, माया के नाम में, लक्ष्मीपुर का ब्याह रानीपुर में तय भेल, लक्ष्मीपुर का बेटा रानीपुर का बिटिया, जितना मंगल लोग देव से कतरैल ना, लेकिन रानीपुर बिटिया पक सवाल कर दिलस कि भैया छुच्छे बैठबा कि कोनो मर मनसाय नहीं, कहल कि आर्केस्ट्रा कह दल जा, कहल ना 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 मारी पीटा हुए में घुसी घुसा शुरू कर देते, कलंक बिरहा हो कलंक बिरहा तो ठीक हो, लेकिन मेहरारून का तबियत हो, एगो माया माया नाव का कोनो लड़की नाचत हो, अगर मिल जात तो उन्हनो वाली हो जात, संजोग से सट्टा खाली रहल, माया कली अब क्षेत्र में जाए जाके नाचे, सट्टा पर जाए लगल, रानीपुर में सट्टा पौलस सार समाज लेके आई, रात बीत गई, सवेरे जनवासा के समय जब आई महफिल जमल है, वही बीच में नाचत है, नाचत है कैसे नाचत है, आई बरात रानी, आई बरात लक्ष्मीपुर से रानीपुर गांव में, सट्टा हुआ था माया का, माया के नाम में, महफिल जनवासे की थी, महफिल जनवासे की थी, कर राजा महफिल जनवासे की थी, बीत गई बहबा ही लूट के, सवेरे जनता चपल बा एकदम सामियाना से बहरे ले भीड़ जुटल, नाचत हिय गावत हिय, बा भाई बा भाई बा, नाम जैसन सुनल गल वैसन कला भी बा, वही बीच में जमल हो नाच, अतबले दुल्हा महाराज कन्या पक्ष के तरफ से अइलन आ गए, अइलन इतना गरम हुए, इतना गरम हुए कि अवत यावत अब ही शमियाना में घुसल ना तले बहरवे से जोर से डटल, जानत वह कौने तर्ज में डटल, अरे झूलनी पवूरनी, अरे झूलनी पवूरनी जहाजिया लगा दा, हमार पैजेब राजा हीरा चला दा, हमार कहन लागा, कहन लागा बात दुल्हा गुमानी, कहन लागा बात दुल्हा गुमानी, कहन लागा बात दुल्हा
सुनकर मेरे बारात के लोग जो शमियाने में हैं तुरंत तैयारी कर लें। एक मिनट हमारी बारात अब यहाँ नहीं टिकेगी। घरात का लोग बारात का लोग आवाक होके ताकर लगले। साज वालों का हाथ रुक गल। नाचे वाली चुपचाप खड़ा होके टकर टकर दूल्हा राजा को देखे लगे। हिम्मत जुटौलस केहू बोलत ना, लेकिन हिम्मत जुटौलस दूल्हा राजा से, बाबू काहे बदे नचिया बंद करतड़ा, काहे बदे नचिया बंद करतड़ा, कल जान कर क्या करोगी। अरे परछन से पहले ही देने का वादा था, परछन भी करवा लिए सब। मड़वा में सेंदूरदान से देने से पहले वादा था, सेंदूरदान भी हो गया, नहीं दिए सब। अब खिचड़ी खाए जाए, जब खिचड़ी खा लेगी बारात तो क्या मिलेगा। कलस की का वादा रहल है, एक लाख रुपया का वादा रहल। आए हाय जब सुनलस तो तनि सोकर चेहरा पर मुस्कान आ गया। माया कहे के तनब चाही रुपया, बिंदु के अभागल बनावा न भैया। सिंदूर दान हो गल भैया, हाँ रात में सिंदूर दान हो गया। कल तो एक बात सुना, रात में सिंदूर पहना के सुहागन बनौला, ये तनी पहरे अभागन बनाओ तो। अभागन मत बनावा भैया, अभागन मत बनावा। कितना रुपया चाहिए, हम रुपया दे पे, लेकिन बेटी के अभागन मत बनावा भैया, अभागन मत बनावा। आज जब सुनलस की रुपया मैं दूंगी, हाँ मैं दूंगी, अभी दूंगी, इसी वक्त दूंगी और यहीं पर दूंगी। अब तय करे शरीर में आग लग गई। कलस साली रंडी की औलाद, तेरी हिम्मत, तू हमको रुपया पैसा देगी नाचने वाली पतुड़िया। कलस की भैया हो, रंडी तो जरूर है लेकिन रंडी का औलाद ना। बड़ा अनमोल भाव देहलस कलस की, रंडी तो हो ही गई, रंडी कहत हुआ ठीक है, लेकिन रंडी के औलाद मत कहा भैया, रंडी के औलाद मत कहा। सुना हमके ना चिन्हत हुआ, हमके ना चिन्हत हुआ, लेकिन हम तोहके चिन्हत। कहलस ताकत हुआ लोग, जमाना ताकत है, दूल्हा राजा खड़ा हुए, आई है बात तू लड़किया कहलस कहलस का। अरे तनी से देखब अपन खोलन नजरिया कंत भैया, हम तो तुहरे गाँव है के छोकरिया कंत भैया, हम तुहरे गाँव के बेटी है भैया, हम तुहरे गाँव के बेटी है, मिलल पैसा दबा के चलते मरी गई मर माई हो, मरल पापिया भागन बनली टूटल मोर सगाई हो। अरे आपन बन के, आपन बन के कई देर सगहरिया कंता भैया हो, आ तनी चूक से घुघरू परल पैया कंता। हमके हम मैवा हई भैया, हम मैवा हई, अरे हम चिन्हत हई, हऊ फलाने दादा हुए, हऊ बड़का चचा हुए, हऊ मौसा हुए, फुफा हुए, मम्मा हुए। श्रीकांत भैया हम सबके चिन्हत हई हो, हमके ना चिन्हत हुआ न, हमके ना चिन्हत हुआ। सारी बारात जितना लोग मड़वा वो समियाना में हुए, घरात के लोग अखिया भार भार के लोग ताकत हुए, दूल्हा राजा का मुंह में बवाल है, लड़किया कलस की अब ही नाची नथ हुआ, अब ही नाची नथ हुआ। यही पैसवा के चलते न हमार सदिया टूट गई, यही पैसवा के चलते हमार बाबू का एक्सीडेंट हो गल, यही पैसवा के चलते हमारे माई का दवाई ना भईल मर गई। आए हाय
एक बात कहे लगल कहत कहा अरे लठिया का चोटी अब लठिया का चोटी अब कचोट नहीं हो ले भैया चोट दर दवा कैले के बाद खत्म हो जाए लेकिन बात का चोट जिंदगी भर ना खत्म हो। खलस के बही नाची नथुआ तनी सा 2 मिनट का मौका दा बाबू बंसी चचा 2 मिनट का मौका दा अब्बा हेमावती अब्बा चिन्ह ले वाला तुरंत पर्दवा की आड़ में गईल इकुल कपड़वा निकाल के फेंक देहलस नोच नाच के सिंगार बिगाड़ के अटैची खोलस अटैची में से एक थे कपड़ा निकललस कौन कपड़ा अरे बदल के अइली माया गांव का चुनरिया सरिया पहन के वो अजनबी के पीछे गईल है उस सरिया कपड़वा रख ले वह पहन के आई बड़का बाबू के सामने कलश की बड़का दादा तू तो बैठल रहला यह कपड़वा पहन के न गईली एको बेर ना रोकला हो बड़का दादा एको बेर ना रोकला नहीं तो आज तोहरे बेटी के केहू रंडी ना कह ना बर्दाश्त कैले अरे चढ़ी के मंचा वापस देखबा कैले बंसी दादा दौड़ के बड़का दादा गैले कहला कि माफी मांगे लाख ना है बेटी लेकिन एक ठे भीख जरूर मांगत है हमें विश्वास है कि तू इनकार ना करबू इनकार ना करबू कलश की दादा हमरे पल्ले का है जवन अपने बड़का दादा के भीख दे कहले खाली यस कर दे बेटी यस कर दे अब दैया दहेज ना चाही बेटी हम लाते से ठुकरावत है कल मांगला दादा ये बेटी तुहार है सब कुछ एकर तुहार है तब मंगले का अरे कोई नौजवान लख के बेटी का सूरत दिया अब मंगिया में सेनुरा देवाना पहिना ऐलान कैला कि बरात के लोग हो चाहे घरात के लोग हो अब एक ठे डोली ना जाई जाई तो दू ठे डोली जाई और रानीपुर से जाई और नहीं तो एक ठे डोली तो जेबे करी एगो बूढ़ बाप के बुजुर्ग बाप के जनाजा भी ढोए बदे तैयार रही है आ नहीं तो कोई नौजवान अपना ले मेरी बेटी को हम कन्यादान देंगे जैसे होगा यहीं से विदाई करेंगे आए है जब ये सुन ले लो कि नहीं तो जनाजा ढोवे के तैयार हो जा आ तबले तब बरात में घरात में गूंज गई का कल यह कि कोई नौजवान मेरे बेटी को अपना ले अब हमार बेटी कोठा बना जाई अरे बाप रे बाप तबले संजोग बनगल हो भैया क्या बना अरे आया था परात में आया था परात
जननी जननवा दई रहली बुझली जीवन भर साथ हो। अरे खुनवा से दहलन उनकर मांगी या भरी जे कर यल बेली जननवा दई रहली गुजरी दौड़ करके मंच पर गया पॉकेट से चाकू निकाला अंगूठे को ऐसे करके चीरा और भरी समाज में दादा साक्षी मान करके मांग भर दिया। बोला जीवन भर साथ दूंगा दादा जीवन भर साथ दूंगा। आज अभी बात करा कि जीवन भर साथ दूंगा तो कन्या पक्ष रानीपुर के लोग खड़ा हो गई कहले दादा आप वाली हो गई लेकिन एक बात बतावल जा हमहन रानीपुर बिटिया है जा और एजाइन से एक कई डोली ना जाई कहला दो डोली जाई तो जब रानीपुर से दो गो डोली जाई तो हमहन रानीपुर के लोग एक कई डोलिया का हकदार ना है हमहन दोनों लड़किया का मतारी बाप हो गए हमहनों के मौका दा हमहनों के मौका दा अब हमहन माई बाप है हमहन भाई बंधु है कल मौका है भैया तो एरिया के लोग रानीपुर क्षेत्र के इलाके के लोग हर समाज के लोग कहले का एरिया के लोग चटचंदा के लगाई एरिया के लोग चटचंदा के लगाई आई एक कैसा थे कहले दोनों बेटी ने अरे एक साथ गई